मोबाइल किसका है? चैनल मेरा यार। क्या हो? जी उस्ताद जी, क्या नाम है आपका? साबर अली साहब। कितने अरसों हो गए? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बात सुनो। ठीक है ना, आ जाओ घर। ये क्या? ये आपको ऑर्डर दी है, आप किचन में जाए चले। ऊपर किसी चीज पे बहस हुई है कि मोबाइल बंद करो, हर चीज मोबाइल ऑन करके। यार ब्लॉग बंद नहीं होगा, मैं ब्लॉग ना मेरा चैनल है ना मेरा जनाब, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आप सब की? मेरी तरफ से आप सबको दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग या इली अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग, ज़हरा जवाद, ओनली जवाद फैमिली व्लॉग्स। क्या किधर मोबाइल किसका? मोबाइल किसका है? ये चैनल मेरा यार। तो उस चैनल में जिसमें चल रहा है मोबाइल किसका? कैमरा चल रहा है। अच्छा जी, अब सुबह हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए। बच्चे मेरे उठ गए हैं जी, पापा हमें नाश्ता करवाए। मैंने कहा चले यार, आज आपका फेवरेट नाश्ता आपको करवाता हूँ। हुरैन ने खाना है आज हलवा पूड़ी। हटो यार, क्यों बीच में आ रही हूँ। तो आज जनाब मेरा फुल टाइम जो है इस मोबाइल के ऊपर ब्लॉग अपलोड होगा। मैं यहाँ आप हटो यार, नहीं, क्या मैं ब्लॉग बना रहा हूँ? और देख लो यार, हटो, तुम्हें आता है नहीं ब्लॉग बनाना? ऐ फालतू में ऊंचा ऊंचा बोल के पागल किया है तुमने। ठीक है, इट्स अ फैमिली ब्लॉग, ठीक है। वैसे भी रात की लाइफ के बाद मैंने देख लिया, वर्ष क्या। चलो मोबाइल है ही मेरा, मोबाइल मेरा है जी ये, ठीक है। नहीं तो ब्लॉग आज सारा दिन आपने बनाना, तो मैं ही बनाऊंगा ना आपको। यार चैनल मेरा है, नहीं मैंने ग्रो किया है। वेरी गुड, अब आए हो आप यार, गुड। अब जाए चले, शाबाश। वो पुराना मोबाइल निकाल लिया सैमसंग का, उसपे व्लॉग शूट किया करें। नहीं जी, अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए, नाश्ता लेके आते हैं वापस और इंशाल्लाह अपनी बाकी की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, दारा को बिल्कुल नहीं पता आज इसके साथ मैं प्रैंक कर रहा हूँ और इसको मैंने अभी फुल टाइम तंग करना है। और सेकेंडली मोबाइल दारा का ही है, ठीक है, चैनल भी सीखा ही, लेकिन आज ज़रा वो पता ही है आपको कि इग्नोरिंग डे इसकी बारी है। अभी मैं दिखाता हूँ, रूम में मुँह बुला के बैठ गई है, मैं दिखाता हूँ ये क्या कर रही है अंदर। कुछ भी नहीं यार, मैंने ना, मैं घर आने, पता है क्या मसला है, मैंने ब्लॉग शुरू किया तो खुद मोबाइल छीन के बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। पहले कभी जिंदगी में ऐसे नहीं किया यार। ठीक है, ठीक, पागल हो यार, कैमरा ऑन कर। मेरा 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 व्लॉग बन रहा है ना आज, मैं बना रहा हूँ, बात कर। ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ले जी, ये है आपकी ज़ारा जवाद जो आज नाराज हैं और मेरे मेरे चैनल के ऊपर अपने व्लॉग शूट करती रही है। नाराज है यार, ठीक है यार, अब क्या करें? बहरहाल कैमरा ऑन है। खैर आज ना आपका भाई व्लॉग शूट करेगा और क्यों ऐड नहीं करूंगी व्लॉग मेरा चैनल मेरा, तो मैं भी बीच में खाम खा। मोबाइल आप अपने साथ लेके जाओगे? बिल्कुल मैं लेके जाऊंगा, आज सारा दिन मोबाइल मेरे पास रहेगा, मैं ही व्लॉग शूट करूंगा इस पे। क्योंकि आज से जनाब जितने भी व्लॉग्स हैं वो आपका भाई स्टार्ट किया करेगा और सारे ब्लॉग में ही आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपने सिखा दी, मुझे आती है एडिटिंग भी। अब खैर आप ये ब्रश पकड़े, सफाई करें, ब्रश पकड़े, सफाई करें, और जाओ जाओ सफाई करें, चलो जाओ। अच्छा जी, दादा का मुंह फूल गया, ये जा रही है रूम में, अभी अपनी बहन को फोन करें, ठीक है। इसको करने तो जो कर रही, लेकिन आज फुल टाइम मैंने इसकी फिल्म चलानी है उस दिन की तरह, क्योंकि इसने मेरे साथ जो किया था, आज रिवेंज डे है मेरा, ठीक है। मैं बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए, ज़ारा का अभी भी मुंह खुला हुआ है और ये जनाब अभी भी, वो जनाब उसको लग रहा है कि मेरे साथ फिल्म चल रही है इसकी आज। बहरहाल खैर, मैं नाश्ता लेके आता हूँ, आज का व्लॉग जनाब मैं ही कंटिन्यू करूँगा और ज़ारा के साथ फुल टाइम जो है आज प्लान चलने वाला है। जी यहाँ पर मैं नाश्ता लेने के लिए आ गया हूँ, उस्ताद जी टिट कट के हलवा को सेट कर रहे हैं, पौड़ियाँ छोड़ियाँ रेडी हो रही हैं।
लेकिन अभी जो है ज़ारा को नहीं पता कि आज उसके साथ फुल टाइम प्रैंक होने वाला है, क्योंकि मैंने जनाब आज अहद किया है कि रिवेंज डे करना है। जी उस्ताद जी, क्या नाम है आपका? साबर अली साहब। कितने अर्सों हो गए काम करते? माशाल्लाह जी। ले जी पूड़ियाँ शूड़ियाँ जनाब, बड़ी वीआईपी उस्ताद जी साउंड निकाल रहे हैं पूड़ियों का। और ये अभी हुरैन और श्याम के लिए जनाब स्पेशली पूड़ियाँ यहाँ से मैं लेके जाऊँगा। ले जनाब मैं आ गया हूँ घर, और बाकी का प्लान आपके साथ मैंने शेयर किया है, इसे कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता आ गया, बच्चों को नाश्ता दिलवाते हैं और ज़्यादा के साथ भी बाकी का प्लान कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ के सीन देखते हैं क्या होता है। सारा किचन में जाओ और बर्तन लेके आओ, नाश्ता मैं ले आया हूँ। ठीक है अभी आप जाए, मोबाइल कैमरा बंद कर दो, मैं आप जाए जाए जाए। चलो शाबाश, जो आपका काम है घरेलू खानादारी अमूरे खानादारी करने का पूरा करें, बच्चों को नाश्ता दें। यहाँ पर मेरे चुन्नू मुन्नु उठ गए हैं, नाश्ता करेंगे। नैनी का फेवरेट नाश्ता आ चुका है। मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आज, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आप अभी जाएं बर्तन लेके और नाश्ता सर्व करें। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि आप ये मोबाइल अपने साथ शॉप पे लेके जाओगे? तो मैं अब मेरा मोबाइल है यार, मैं जहाँ मर्जी लेके जाऊँ। नहीं तो अभी इट्स माय प्रॉपर्टी, आपको तो उधार दिया था सिर्फ, आपने कहा था मेरा चैनल जरा चल जाए थोड़ा सा, तो मैंने कहा जरा चले थोड़ा सा आप इसे देख लें। अच्छा करें, मैं इसके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। ठीक है अभी इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा रेस करते हैं और देखते हैं कहाँ तक ज़रा जाती है, लेकिन खैर अभी चलने दे, टू बी कंटिन्यू। नाश्ता वाश्ता हो गया है, अब चलते हैं नीचे चाय बनाने के लिए। और ये हो सकता है मेरा मोबाइल और मेरा चैनल और मैं जी जी, नाश्ता हो गया है, नाश्ता डन है और अब हम जनाब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। ज़ारा जवाद फैमिली ब्लॉग, कोई बदतमीजी नहीं है यार, ज्यादा हो रहा है। अच्छा जी नाश्ता कर लिया, क्योंकि ज़ारा ने कहा था कि मेरा चैनल है मेरा मोबाइल है मैं जो मर्जी करूं, ऐसा नहीं होता क्योंकि कैमरे में तो आने दो। आज हम आपको लेके कुछ भी नहीं, बस हाल नाश्ते की चाय सही है, बहुत मजे का नाश्ता। अभी आपने शॉप पे चले जाना था, मोबाइल आप लेके जाओ, साथ मेरी प्रॉपर्टी है मैं जो मर्जी लेके जाऊँ, मोबाइल मेरा भाई चैनल मेरा। अपलोड करेगा इस ब्लॉग को इंशाल्लाह, एडिटिंग नहीं आती आपको, सीख लेंगे। कहाँ से सीखोगे यार, आती है सीखते हैं उनकी एडिटिंग, कल रात वीडियो में देख ली मैंने कितनी अच्छी थी, उनको भी नहीं आती। खैर अभी हम जा रहे हैं जनाब, किधर जा रहे हैं? हम नहीं, ज़ारा ओनली ज़ारा। कहाँ जा? किचन का ठेका तो आपके पास है अपना, क्या चिल स्कूल जाए, किचन में चाय बनाए और लेके आए मेरे लिए। छोटी सोच नहीं होती, ये होती है पहर में बहुत कुछ। नाश्ता कर रही ना आपने, चाय लेके आए जाए, बोलना भी नहीं आ रहा, कैसी बात है व्लॉग बनाना। और यार चाय लेके आओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं, इस बंदे को बोलना भी नहीं आ रहा और इन्होंने व्लॉग बनाना है। आप लोग देख रहे हैं मैं ये व्लॉग अपलोड नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, और मैं ये अपलोड करूंगा करूंगा करूंगा। आप जाए चाय बनाए जाए। ओके जी तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लिप। ये आपको ने ऑर्डर दिया है, आप किचन में जाए और चाय लेके आए। यार इस बंदे ने क्या हरकत है, कभी नहीं की। अच्छा जी बदतमीज नहीं हूँ मैं, आपसे कह रहा हूँ कि आप जाए चाय बना के लेके आए, जो आपका अव्वलीन फरीजा है अपने शोरे नामदाद के लिए। ऑफ कर दिया बाद में, ये क्या होता है शोरे नामदाद के लिए चाय लेके आए, कैमरा ऑफ कर दिया, उसके बाद दोबारा कैमरा ऑन कर लिया, फिर दोबारा शुरू हो गया। यार ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ चाय चाय लेके आए, चाय लेके आए, मुंह पे हाथ नहीं लगाना। ले जी आज आपका भाई ब्लॉग फुल टाइम बना रहा है ज़ारा को, यार बहुत बदतमीज है, लेकिन बदतमीज तो नहीं है, मैं तो नॉर्मली तो मैं ऑर्डर लगा रहा हूं चाय लेके आओ, जाओ यार बहुत बदतमीज है, मैं ये ऑन एयर नहीं करूंगी, मैं इस व्लॉग को अपलोड करवाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है क्योंकि इस व्लॉग में मेरा छोटा सा पाला सा बेबी भी आया हुआ है, श्याम भाई भी आए हुए हैं। श्याम भाई ऐसे थोड़ी आओगे, अब छोटी हो ना। अच्छा जी खैर अभी चाय आती है, चैनल मेरा लो जी, चैनल मेरा मेहनत मैंने किया, या मेजा में 1K सब्सक्राइबर मैंने करवाए, ये ठेकेदार अलग है, मेरा बेटा भी अलग है, ये भी अलग है और बेटी भी मेरी अलग है। शोर देख ले सबने व्लॉग में आने, लेकिन चैनल मेरे मैं नहीं आ सकता। यार मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो गया है, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो हो गया लेकिन मैंने चाय नहीं बनाई। मुझे अली ने कभी भी ऐसे नहीं कहा, मेरी शादी को 5 साल हो गया, कभी भी ऐसे नहीं कहा। और आपको मजे की बात बताऊँ कि मेरे मोबाइल पे ना, मतलब मैंने किसी भी ऐप पे लॉक नहीं लगाया हुआ,
तो अभी अभी मैंने गैलरी ऑन करी कि मैं क्लिप चेक करूँ अली ने कैसे क्लिप बनाया है, क्या है, क्या सीन नहीं है, कि कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही, क्योंकि मजाक में भी कभी अली ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, तो मुझे लगा शायद कोई मजाक करेंगे। आप यकीन करेंगे कि उस पर उन्होंने ऐप लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, मेरी हर ऐप पे ऐप लॉक लगा दिया, मेरे व्हाट्सएप पे, हर चीज़ पे, सिवाय इस कैमरा के, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे भी, क्योंकि मैं किसी को मैसेज भी नहीं कर सकती कि आज मोबाइल अली के पास रहेगा। मेरी समझ से बाहर है कि अली को क्या हुआ है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कोई चाय शाय भी नहीं बनानी। अभी भी मोबाइल चार्जिंग पे लगा था तो मैं मोबाइल ऊपर से नीचे लेके आई हूँ कि मैं यहाँ क्लिप बना लूँ, और उन्होंने कहा है कि मोबाइल जल्दी वापस ले गया ना, मैं फ्रेशन अप होने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, अभी वो मेरे हाथ से चेंज चेंज कर रहे हैं, मैंने आज उनकी शर्ट भी प्रेस नहीं की, खुद ही कर रहे हैं, तो मैं नीचे आ गई हूँ, बर्तन रखने नहीं चाहिए, शायद सीधी साफ आता, मैंने कोई नहीं पिलानी, अगर मोबाइल लेके जाना तो ले जाएं। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग अपलोड होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हूँ, क्योंकि अली ने मुझे कभी ऐसे बदतमीजी भी नहीं की और मुझे इग्नोर भी ऐसे नहीं किया, कि मैंने खुद ही ने कहा है कि चलो आप ब्लॉग बनाते हैं, तो मुझे कहते हैं ठीक है तुम ब्लॉग स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही आपको कहा है कि भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रा जवाब ब्लॉग, तो उसके बाद मैंने कट करके दोबारा सीन स्टार्ट किया है, तो खुद आ गए पीछे मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। फिर जब मोबाइल बंद हुआ, कैमरा ऑफ हुआ, फिर मैंने कहा, मैंने कहा यार क्या बदतमीजी, कैमरा ऑन था, तो मुझे कहते मैं जो मर्जी करूँ जैसे मर्जी करूँ, मेरा ही मोबाइल है ना, मैंने ही लेके दिया ना, बस तुम जाओ जाके आराम करो, मैं नाश्ता ले गया था, बस ये बातें स्टार्ट कर दी। अब ये है कि मैं ऊपर जा रही हूँ दोबारा, अली अभी शॉप पे चले जाएंगे, पता नहीं मोबाइल अपने साथ लेके जाएंगे या इधर ही रहेगा, ये मुझे नहीं पता। तो अगर इधर रहेगा तो फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँगी, अगर नहीं अली ले गए तो फिर मुझे नहीं पता ब्लॉग कैसे बनेगा कैसे नहीं, है डिसाइड हो ले जी। यहाँ रेडी शेडी हो गई है क्योंकि मैं आज लेट जा रहा हूँ, बहुत गर्मी थी, मैं सो गया था, और अभी सारा लोग भी सोए हुए हैं। बाकी जी मैं अभी रेडी हो गया हूँ और बाकी का ब्लॉग इंशाल्लाह शॉप पे जाके कंटिन्यू करता हूँ। ज़ारा को नहीं पता कि आज इसके साथ क्या प्रैंक चल रहा है, क्योंकि आपको पता है आज मेरा रिवेंज डे है, तो इंशाल्लाह बाकी का कंटिन्यू करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं शॉप पे जाकर। तो जी अब मैं आ गया अपनी शॉप पे, ज़ारा को जनाब आज बहुत तंग की है, आज यकीन करें ये प्रैंक बड़ा हैवी होने वाला ज़ारा के साथ। बुरा खैर अभी आपको दिखाते हैं। तो जी ये आपके भाई की ब्रांच है, ये हमारे आसिम भाई हैं। आसिम भाई क्या हाल है आपका? ये जी ब्रांच है मेरी, मैंने कहा चले आज आप अपनी ब्रांच का विजिट भी करवा देते हैं। हमारा जनाब ये है होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, ये मेरा क्लिनिक है जी, यहाँ पे आपका भाई सारा दिन से अपना टाइम स्पेंड करता है, ये इसका हरा व्यू इशू है जी। अच्छा खैर छोड़े, ब्रांच आपको फिर नेक्स्ट दिखाएंगे, इसका टूर अगेन करवाएंगे। अच्छा अभी ज़ारा को जनाब हमने सस्पेंस पर रखा हुआ है, अभी शाम को इसको लेके जाएंगे यार, खाना शाना खिलाएंगे, बाकी सस्पेंस चलने थे, टू भी कंटिन्यू प्रैंक है जिसका फुल टाइम होने वाला है। बाकी खैर यहाँ से अभी फ्री होकर मुझे तो काम करने है, वहाँ से फ्री होकर मैं जाऊँगा ज़ारा को लेके इसकी अम्मा के यहाँ, और टू भी कंटिन्यू प्रैंक चल रहा है। मैंने कहा चले आज ज़ारा का मोबाइल हमने रखा ही है पास, तो चले थोड़ा थोड़ा बहुत तंग कर लें, क्योंकि वाकई ही उसका मोबाइल मेरे पास है, सुबह से उसका मैं मोबाइल लेके निकल गया हूँ, और मेरा ख्याल है आज वो कैसे सर्वाइव कर रही मोबाइल के बगैर अल्लाह ही जानता है। बहरहाल खैर चले टाइम शाम काफ़ी स्पेंड हो गया, अच्छा तो बाकी प्रैंक चल रहा है, तो आपको बाकी का जनाब अगले जो है शॉर्ट में दिखाते हैं, तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आ गया हूँ वापस घर, अभी जाके देखते हैं ज़ारा का रिएक्शन क्या है। मोबाइल आज मेरे पास था, ज़ारा मोबाइल के बगैर आज रही सारा दिन, तो आपको दिखाते हैं ज़ारा का रिएक्शन क्या है जी आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़ारा जवाद, ज़ारा जवाद तो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना मैं यार, आज का ब्लॉग जनाब मेरी तरफ से है आपके भाई जवाद की तरफ से। तो अब आप सामने आ जाए ना, क्या हाल है, कैसी हैं आप? दिन में पहली दफा ये हुआ है कि आप आज पूरा दिन घर नहीं आए, ठीक है, दूसरा आप सुबह से बदतमीजी मेरे साथ। आज मैं अपना मोबाइल लेके अपनी शॉप पे गया हुआ था, छोटा मोबाइल मैं यूज करती हूँ, ठीक है, और बड़ा मोबाइल आपके पास था, आपने ये नहीं किया कि आप खान यार मोबाइल ही घर भेज दो, आपकी वजह से मैं मम्मी की तरफ नहीं जा सकती। खान के हाथ मोबाइल में क्यों भिजवाता, क्योंकि मोबाइल ही मेरा है और मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल है, यूज में है मेरे यार, आपने यूज कर दिया है, पुराना कर दिया, लेकिन ये मेरा मोबाइल था, इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल है, क्या मसला है भाई? बेटा मम्मा का मूड ठीक नहीं है। श्याम अली, श्याम अली कैसे हैं आप? अब हो गए ठीक, हो कर लिया जो दुकान पे करना था, मेरा मोबाइल वापस है, तो यार आपने टेढ़ा मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपको ब्लॉग नहीं बनाना आता। मैं बिल्कुल ठीक बना रहा हूँ ब्लॉग, आप मुझे ना समझाएं और ना ही बताएं। अच्छा जी
आज का व्लॉग आपके भाई ने शूट किया है और इंशाल्लाह तआला आने वाले व्लॉग भी आपका भाई ही शूट करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी आ गई है। ज़ारा ने मुझे सिखाया था व्लॉग कैसे बनता है, तो व्लॉगिंग आपके भाई इसीलिए आपको मेरी आधी आधी मुंडी नजर आ रही होगी, ज़ारा ने सिखा दिया है और आधी आधी मुंडी नजर आ रही है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक आ रहा है, मुझे पता है मेरे बाल भी ठीक आ रहे हैं। रिएक्ट कर रही जैसे आप सुबह कुछ करके ही नहीं गए हो, आपने तो बदतमीजी नहीं की है यार, अजीबा आदमी हो यार। मैंने बाकी मेरे की नहीं है आपसे, मैंने अपना चैनल आपसे ले लिया है। और ये मेरा हां यार, मैंने यहां पे रख 3 महीने से कवर किया, आपने एक तो, एक भी ब्लॉग में आप यहां पे जाने मेरे साथ थे? हां नहीं थे। चलो मैंने अकबर भाई को भेजा था आपके साथ, लेकिन मैं था बैक एंड में ही था। थे यार बैक एंड पे मैं ही था, अकबर भाई गए। चलो बच्चे तो आपने संभाले नहीं, अम्मी के पास होते थे बच्चे, कैसे शूट हुए? दुकान में होते थे आप। अच्छा यार चलो छोड़ो, अब जो हुआ था सो हो गया, अब आपके पास कोई एक्सेस नहीं है चैनल की, मैं ही इसे संभाल करूंगा ठीक है, और मैं ही कल से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा इस पे, क्योंकि आप तो व्लॉग डालती नहीं हो, लाइफ पे पाती और मैं लाइफ खत्म करके मैं व्लॉग डाल तो रही हूं क्या, और किस तरह डालूं व्लॉग? मैं डेली व्लॉग करूंगा ना, एक एक दिन तो मैं भी डेली, मुझे मैं डेली डेली व्लॉग नहीं कर सकती जब तक आप मेरे साथ नहीं होते, आपको कभी मूड होता है कभी नहीं होता, इस चीज को मानो, बेस्ट इस चीज की लगा दो। ले जी यहाँ पर काम हो गया है ख़राब, आज का प्रैंक बहुत महंगा पड़ गया है, ज़ारा रही सोई भी है, मैं कोशिश करता हूँ ज़ारा को बनाने की, क्योंकि आज वो अकेले वाला काम मैं कर रहा हूँ ठीक है, नखरे उठा रहा हूँ। असल में अभी प्लान बन गया हमारा खाना खाने का, अभी देखते हैं ज़ारा का मूड क्या है। ज़ारा क्या मसला है? रेडी हो? चले यार खाना खाने लेके जा रहा हूँ, चलो चले। यार व्लॉग बंद नहीं होगा, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्यों बंद करूँ मैं व्लॉग? मैंने कभी इतनी देर, तुमने जाना है कि नहीं जाना मुझे ये बताओ। यार क्या मसला, क्यों बात यार, किस चीज के ड्रामे लगाए हैं? नहीं कान क्यों भरने हैं, मैं कौन सा कानों का कच्चा हूँ, लेकिन बात आप नहीं दे रहे हो यार, मेरी गाल सुन, मोबाइल मेरा है मैंने, मैं क्यों दिया, सिंपल सी बात है, इट्स माइन प्रॉपर्टी। अच्छा अभी चलना है कि नहीं चलना है बताओ, मैं बच्चों को ले जाऊंगा खाना खाने ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ जाऊंगा। अच्छा 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 मेरी बात सुनो, ठीक है ना आ जाओ घर रहो, अब ठीक है तुम घर रहो, जा रहे हैं। चलो मेरे बच्चों हम जा रहे हैं खाना खाने मम्मा के बगैर, अब मुझे बताओ मेरे साथ कौन कौन जाएगा मम्मा के बगैर, कौन कौन जाएगा मम्मा के बगैर, छोड़ दो घर छोड़ दे, नहीं बच्चे तो वोट दे रहे, मम्मा को छोड़ दे, मम्मा को छोड़ दे, लो जी वोट चेंज, आप बताओ ना छोड़े, चले जी ज़ारा हमारे साथ ही जा रही है, कोशिश करते हैं कि लेके जाएंगे साथ ही जाएगी, और यहाँ पर मैं अभी ब्लॉग को एंड नहीं कर रहा, ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा मैं जनाब आके खाना खाने के बाद। मैं खिलाफ नहीं कर रहा, पूछ रहा था मैं उनसे राय ले रहा हूँ, उनसे उनसे राय, उनका बाप ही उनकी माँ है। अच्छा जी ज़ारा मेरे साथ जाएगी यहाँ पर खाना खाने के लिए, बाकी का ब्लॉग मैं आप घर आके कंटिन्यू करता हूँ, और श्याम भाई भी मेरे साथ साथ है, श्याम भाई क्या खाने आए हो आप? तो इधर से अभी फ्री होके जनाब जाते हैं ज़ारा की अम्मा के घर, और व्लॉग हमारा टू बी कंटिन्यू है अभी। जनाब हम लोग आ गए हैं ज़ारा के बल्कि मेरे फेवरेट पॉइंट पे दुम्बा शुम्बा खाने के लिए। ज़ारा अब तो मूड ठीक कर लो यार, खाने का टाइम हो गया, अब तो मूड ठीक कर लो यार, ये ज्यादती है, अब खाने का टाइम पे तो मूड ख़राब कर रही हो, खाना हमारा आने वाला और तो मूड ख़राब कर रही हो। श्याम आपने क्या खाना? श्याम भाई का पिज़्ज़ा आ गया है, और हमारा जनाब खाना अभी थोड़ी देर में आने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं खाने के, जैसे ही खाना आता है फिर हम लोग आपको मिलते हैं खाने की टेबल पे, टेबल पे तो ऑलरेडी है खाने पे। नहीं जी खाना शाना हमारा आ गया है, ज़ारा का फेवरेट फूड ये आ चुका है, और ये तो फेवरेट नहीं है, बाकी ज़ारा खाना शुरू करती है फिर उसके बाद हम आपसे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नहीं जी यहाँ पर खाना शाना हमने खा लिया है, और ज़ारा भी खाना खा चुकी, बच्चे जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो जनाब मैं यहाँ पे आया और खाना खाना खा के बैठा हूँ, तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गया था। अच्छा अभी थोड़ी देर मैं सोया हूँ, तो उसके बाद उठ के मुझे माँ जी ने पूछा बेटा खैरियत है, ज़ारा को क्या हुआ है? असल में यार काम हो गया है ख़राब, ठीक है ज़ारा को नहीं पता, लेकिन अभी तक ज़ारा के साथ जो प्रैंक किया है वो हो गया है सीरियस, ठीक है अभी खैर यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर,
घर जाके मैंने ज़ारा को बता देना कि यार ये प्रैंक श्रैंक था तुम्हारे साथ, ठीक है सुबह से अब तक चल रहा। खैर अभी जाते हैं घर, घर जाके इसको इसी व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। लेकिन ज़ारा के साथ आज बहुत बुरी हुई है क्योंकि मैंने उस प्रैंक कितनी की हाइप दी है कि माशाल्लाह ज़ारा मेरे से नाराज़ हो गई है। ठीक है खैर अभी आपको घर जाके मिलते हैं। ले जनाब घर हम आप आ गए हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म। जी ज़ारा कैसी हैं आप? ना मेरा चैनल है ना मेरा मोबाइल है, मैंने ब्लॉग बनाना नहीं तो फिर मुझे क्या। देखिए आपका ही चैनल है, आपका ही ब्लॉग है और ये आपके ही दम खम से अब तक चल रहा है। ठीक है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात है, मैंने आपके साथ किया था प्रैंक क्योंकि हाईली रिकमेंडेड था कि आज आपके साथ प्रैंक किया जाए। सुबह से लेके अब तक आपसे सिर्फ प्रैंक ही चल रहा है। ठीक है मैं देखें जी आप जो होना था वो तो क्या हुआ, सारा दिन गुजर गया, इसका मोबाइल मेरे पास था और सारा दिन मोबाइल आपने पास रखा, मुझे इतने बुरे तरीके से इग्नोर किया, इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया, यूं 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 किया। ठीक है कैमरा उल्टा पकड़ा, ऊपर से इतने ज्यादा सीन भी खराब करे, और मेरा कसूर क्या था कि मैंने आपसे प्रैंक किया था, आपने बदला लिया? रिवेंज ये ना सारा किया था रमन भाई भाई का, किसी का भी नहीं। अच्छा वैसे ये क्रेडिट जो भाई को जाता है क्योंकि मेरा आज रैंडमली एक वाइंडर बन गया, मैं चलो आज का जो दिन है ना वैसे आज सारा दिन स्पॉइल करेंगे, इसका मोबाइल में ले जाऊंगा, सारा ब्लॉग तो खुद बनाऊंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है यार ब्लॉग बनाना, मुझे लग बता गया ब्लॉग किस तरह बन देना ये, तब जब मैं एडिटिंग करूंगी तो मुझे अच्छा, नहीं पता कि ब्लॉग कैसा आएगा, चलो कैसा अभी, नहीं अभी आएगा। इसको हम नाराजगी खत्म करते हैं। ठीक है ये प्रैंक था आपके साथ, सॉरी यार इतना मैंने नहीं किया था जितना अली ने करा, और अब कह रहे कि सॉरी यार। चलो बात खत्म करो। ठीक है ये तो बाद अब यहाँ पर हम अपने आज के ब्लॉग को इसी के साथ सुलह करते हुए करेंगे एंड। ये मैं बाद में बताऊंगी सुलह है कि नहीं, क्योंकि मेरा पूरा दिन स्पॉइल किया, अम्मी की तरफ भी गई तो मैं बस अम्मी भी बल्कि उल्टा मेरे साथ ही लगी, हाँ हाँ तेरी गलती है तेरी गलती है ये है वो, और आप कह रहे हो कि चलो अब इसको, और इन्होंने अम्मी की तरफ जाके क्या किया, खाना खा के जैसे ही निकले हम लोग अम्मी की तरफ जाके सो गए, पता नहीं क्या नींद आ गई, मैं बैठा हूँ सोफे पे गिर रहा था मुझे नींद आई, मम्मी भी सो गए, बहरहाल वहाँ पर भी काफी इसका मूड खराब था। चलो लेकिन खैर अच्छा अभी यहाँ पर हम अपने व्लॉग को चलो यार बस करो अभी खत्म करो बस ठीक है, नाराजगी खत्म करो। ठीक है जी मेरे साथ मिलके व्लॉग को एंड करोगे भी आप? ठीक है तुम्हारे चैनल है यार, सॉरी ठीक है तुम्हारा ये ठीक है, चलो एंड करो इतना सारा ले जी यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, और क्योंकि टाइम काफी हो गया हम लोग लेट अपने घर पहुंचे हैं तो सुबह तो सुबह के 5 बज रहे हैं। ठीक है अभी हम लोग अपने ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर वो लाजमी है जी, इसके अलावा टिकटॉक इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें सपोर्ट करें, और सेकेंडली ज़ारा इसको अब एंड करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आज इतनी बुरी मेरे साथ हुई है, आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे भी बताएं कि मैं मुझे अली से बदला कैसे लेना चाहिए, समझ आई है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह मौला के ईमान में, होप कि आप सबको हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और पहले एक बात और जाते जाते बताती चलूं कि मुझे वाकई इस ब्लॉग के बारे में कुछ ये नहीं पता, ये सच्ची बात है कि इसको वाकई नहीं पता, अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती या मैं कहीं ना कहीं हंस देती, मैं आप लोग देख लीजिएगा मैं कहीं हंसी भी नहीं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एडिटिंग कैसे करूंगी क्योंकि अली ने ब्लॉग आधा ऊपर रखा था नीचे रखा, मुझे नहीं पता जैसा भी आएगा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मानिला मौला के ईमान में, या अली वारिस फिर होती है मुलाकात, तो मुझे बताना बिल्कुल नहीं बोलना कि मुझे अली से कैसे बदला लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।